वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई नामक संक्रामक रोगों का समूह और रोकथाम, निदान यानी कि डायग्नोसिस और उपचार को प्रोत्साहित करता है। हेपेटाइटिस दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, जिससे अक्यूट और क्रोनिक डिजीज होती हैं, और हर साल करीब 1.34 मिलियन लोग मारे जाते हैं। हेपेटाइटिस लीवर डिजीज का कारण बनता है और किसी व्यक्ति को भी मार सकता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा चिन्हित 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व मलेरिया दिवस और विश्व एड्स दिवस शामिल हैं। 28 जुलाई को होने वाले कार्यक्रमों में हेपेटाइटिस समूह, रोगी और अधिवक्ता भाग लेते हैं। विशेष रूप से 2012 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जब 20 देशों के 12,588 लोगों ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर 3 बुद्धिमान बंदरों की कार्रवाई की थी, ताकि बीमारी को अनदेखा किया जा सके। उद्घाटन यूरोपीय हेपेटाइटिस जागरूकता दिवस विभिन्न यूरोपीय और मध्य पूर्वी रोगी समूहों और बेबी म्यूरियल द्वारा समन्वित 1 अक्टूबर 2004 को हुआ। हालांकि कई रोगी समूहों ने विषम तारीखों पर हेपेटाइटिस दिवस को जारी रखा। इस कारण से 2008 में रोगी समूह के सहयोग से विश्व हेपेटाइटिस अलायंस ने 19 मई को पहला वैश्विक विश्व हेपेटाइटिस दिवस घोषित किया। हेपेटाइटिस दिवस का विचार कटक ओडिशा में उत्पन्न हुआ, जैसा कि ब्लूमबर्ग ने अपनी आत्मकथा में खुद का उल्लेख किया है। प्रोफेसर एसपी सिंह, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख एससीबी कटक ने 28 जुलाई को संस्थान में हेपेटाइटिस दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था। मई 2010 में 63वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक संकल्प को अपनाने के बाद विश्व हेपेटाइटिस दिवस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के लिए प्राथमिक ध्यान के रूप में वैश्विक समर्थन दिया गया और तारीख 28 जुलाई सैमुअल ब्लूमबर्ग, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोजकर्ता, जो उस तारीख को अपना जन्मदिन मनाते हैं, संकल्प लिया कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। शिक्षा, ताकि शिक्षा और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वायरल हेपेटाइटिस की अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके और सदस्य में इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण उपायों को मजबूत किया जा सके। विश्व हेपेटाइटिस दिवस को अब हर साल 100 से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मुफ्त स्क्रीनिंग, पोस्टर अभियान, प्रदर्शन, संगीत कार्यक्रम, टॉक शो, फ्लैश मॉब और टीकाकरण ड्राइव जैसे कई अन्य। WHO और वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस द्वारा हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो दुनिया भर की सभी घटनाओं का विवरण देती है। हेपेटाइटिस ए और ई, हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। ये हेपेटाइटिस बी और सी से बहुत मुख्तलिफ हैं, जो कि खून की वजह से फैलती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई में ना सिर्फ हाथों की सफाई बल्कि साफ पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के इलाके में पानी साफ नहीं है तो उसको उबाल कर इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले या खाना तैयार करने से पहले अच्छी तरह अपने हाथ साफ कर लीजिए। अगर आप लोग बाहर से खाना खाते हैं तो एहतियात करें और इस बात की तसल्ली कर लें कि बाहर से खाना खाने वाली जो जगह है वो साफ है। बाथरूम जाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करें। इसके अलावा अपने इलाके में सफाई का ख्याल रखें। हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव आप सबके हाथों में है। अपने